$100 बिलियन की कंपनी बन गई, $850 बिलियन की कंपनी, वो भी सिर्फ 2 साल में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टेस्ला कंपनी की। एंड दोस्तों, इसी टेस्ला कंपनी की ग्रोथ के साथ इस कंपनी में 20% के शेयर होल्डर थे इलोन मस्क, जो कि बन गए दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति, क्योंकि पहले उनके शेयर्स थे सिर्फ $20 बिलियन के टेस्ला में, और वो इस कंपनी 800% ग्रोथ के साथ हो गए $160 बिलियन। दोस्तों, सबसे ज्यादा लोग अमीर बनते हैं स्टॉक मार्केट में, लेकिन मिडिल क्लास फैमिली का हर एक व्यक्ति स्टॉक मार्केट से बहुत दूर भागता है, और वो इसलिए भागता है क्योंकि वो कहता है स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, स्टॉक मार्केट बहुत ही रिस्की है, स्टॉक मार्केट में बिल्कुल मत जाओ, अरे मैंने लॉस खाया है। आप अपने पापा चाचा मामा ताऊ सभी से बात करोगे तो वो कहेंगे बिल्कुल मत जाना, अरे बहुत लॉस हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, अगर जाना भी है तो सेफ्टी से जाना है, अगर जाना भी है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म में शेयर डालना है। बिल्कुल सही कहा, लॉन्ग टर्म में आपको शेयर का इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन दोस्तों, इस जगह पे मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा जो कि हर्षद मेहता ने कही है, स्कैम 1992 में शेयर मार्केट एक ऐसा कुआ है जो पूरे देश की पैसों की प्यास बुझा सकता है। Am I right or wrong? So, दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ट्रेडिंग करते हैं, आप में से कितने लोग प्रॉफिटेबल कंपनीज में ट्रेडिंग करते हैं? अगर करते हैं तो कितने लोग डिसिप्लिन से करते हैं और डेडिकेशन से करते हैं? अगर आप डिसिप्लिन डेडिकेशन से नहीं करोगे तो आपको लॉस ही होगा। देखिए, लॉस किन लोगों को होता है? उन लोगों को लॉस होता है जो कि बिना जाने पहचाने इसके अंदर उतर जाते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए एक ब्रांड न्यू चकाचक कार है और उस कार के अंदर एक ऐसे बंदे को बैठने की इच्छा है जिसको ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन वो कार की चमाचम देख के कहता है फटाफट बैठूं और जल्दी से जल्दी इसको ड्राइव करूं। वो बैठता है कार में, इग्निशन ऑन करता है, फटाफट कार को ड्राइव करने लगता है, एंड बूम बूम क्या होता है, कार का एक्सीडेंट हो जाता है। चमचमाती ब्रांड न्यू कार थी जिसको देख के उसकी जीभ लप लपा रही थी, वो चाहता था कि इस कार को ड्राइव करे, बट रिस्क 1000% है। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंड नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही पैसे कमाने में आप ट्रेंड नहीं हो और कुछ लोग बहुत ज्यादा ट्रेंड है। पैसे कमाने के लिए जो फोकस चाहिए कई लोगों में नहीं है, और कई लोगों ने ट्रेनिंग लिया है अपने दादा परदादा से या किसी कोच से या किसी तरह से प्रॉपर तरीके से पैसे कमाने का। एम आई राइट और रॉन्ग? दोस्तों, आप कभी भी कमजोर नहीं थे, आप हमेशा या तो ट्रेंड हो या अनट्रेंड हो। इज दैट ट्रू और नॉट? या तो आप ट्रेंड ड्राइवर हो या अनट्रेंड ड्राइवर हो, या फिर आप ट्रेंड बिजनेसमैन हो या अनट्रेंड बिजनेसमैन हो। दोस्तों, ट्रेनिंग से बहुत फर्क पड़ता है। खैर, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने माइंड की, दैट इज कमेंडेबल। दोस्तों, इस समय मैं आप सभी को एक सवाल और पूछना चाहूंगा। बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं जो कि ग्रो कर रही है, लेकिन व्हाट इफ हम में से हर एक आदमी इंडियन कंपनीज में तो इन्वेस्ट कर ही रहा है, लेकिन उसी के साथ हम इन्वेस्ट करना सीख जाए एप्पल, टेस्ला, या फिर गूगल, या फिर माइक्रोसॉफ्ट, या IBM, Amazon.com। अगर ऐसी कंपनीज में आप इन्वेस्ट करें तो आपकी ग्रोथ कितनी हो सकती है? ये सारी कंपनियां अमेरिकन कंपनियां हैं, और ये अमेरिकन कंपनियां राज कर रही है पूरी दुनिया पे पिछले कई सालों से। दोस्तों, एप्पल $1 trillion कंपनी, अमेजन $1 trillion कंपनी, राइट? हर एक कंपनी, बोइंग करके एक कंपनी है अमेरिका में जो कि पूरी दुनिया पे राज कर रही है जब बात आती है एरोप्लेन कंस्ट्रक्ट करने की। और अगर बोइंग की बात करूं, बड़ी छोटी सी कंपनी हुआ करती थी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग जो कि इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो इन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं? बहुत कम। अब अगर टाटा पिछले 10 सालों से आपको रिटर्न दे रहा है, रिलायंस आपको 10 सालों से रिटर्न दे रहा है, या भारतीय एयरटेल अगर आपको रिटर्न दे रहा है, या HDFC बैंक आपको काफी सालों से रिटर्न दे रहा है और अच्छे रिटर्न दे रहा है, अच्छे डिविडेंड्स दे रहा है, तो ये कंपनीज अपने शेयर होल्डर्स को कितने गुना ज्यादा रिटर्न दे रहे होंगे? कितने गुने ज्यादा रिटर्न दे रहे होंगे? ह्यूज। कंपनीज रिटर्न देती है कई फॉर्मेट में, डिविडेंड्स देती है, बोनस शेयर्स देती है, ऑलराइट, एंड शेयर प्राइस जो बढ़ती है उससे भी उनका वैल्यू बढ़ता है। Am I right? तो शेयर जो टेस्ला के 100 बिलियंस के थे, 850 बिलियन के हो गए, तो इलोन मस्क $20 बिलियन से सीधा $160 बिलियन पे पहुंच गया। जो इलोन मस्क दुनिया का 34th richest man था, वो सीधा number 1 के पायदान पे आ गया। तो जब शेयर की प्राइस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली द वैल्यूएशन ऑफ दैट पर्सन ऑल्सो गोज अप। Am I right? That is the first thing. Second thing, डिविडेंड मिलता है, थर्ड थिंग बोनस शेयर मिलता है। और इसी के कारण दोस्तों, जिसने विप्रो में ₹10,000 का शेयर लिया था आज से 40-50 साल पहले, वो आज 850 करोड़ का मालिक बन गया है। अब दोस्तों,
अगर इंडियन कंपनीज इतनी ग्रोथ देती है तो ये कंपनीज तो माइंड ब्लोइंग ग्रोथ दे रही है। अगर विप्रो के शेयर्स 10,000 से 850 करोड़ हो सकते हैं तो अमेजन के कितने हुए होंगे, एप्पल के कितने हुए होंगे, सोच के देखिए एक मिनट के लिए। अब ये कॉन्सेप्ट बताने के पीछे रीजन ये है कि मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना है इन विदेशी कंपनियों के साथ भी करना शुरू करें। जी हाँ, आज ये पॉसिबल है कि आप भी Amazon.com के शेयर्स ले सकते हैं, आप भी टेस्ला के शेयर ले सकते हैं, आप भी कई मिलियन डॉलर एंड बिलियन डॉलर एंड ट्रिलियन डॉलर कंपनीज के शेयर्स ले सकते हैं। अब आप में से कई लोगों का ये थॉट होगा, सर ये शेयर्स कहाँ से खरीदें, कैसे खरीदें, इनकी तो ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा लगती होगी यार, ये तो डॉलर में होता होगा, इन शेयर्स की प्राइजेस क्या है। डेफिनेटली अगर इंडियन कंपनीज़ की शेयर की प्राइस है 3,000, 5,000, 10,000, 15,000, जो भी अच्छी कंपनीज़ हैं, तो इन कंपनीज़ के शेयर्स की प्राइजेज है शायद $10,000, शायद $1,000, $1,500, $2,000 और $1,000। मतलब आज की डेट में डॉलर का रेट चल रहा है 77 रुपये, तो 77,000 रुपये एक शेयर की प्राइस हो गई। तो आप में से कई लोग कहेंगे सर इतना कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे यहाँ पे, ये तो बड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे गुड न्यूज आपके लिए ये है कि आपको कभी भी एप्पल का एक शेयर खरीदना है तो आपको पूरा एक शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको पता है बिटकॉइन आज की डेट में 25,00,000 रुपए का चल रहा है, तो क्या आपको 25,00,000 डाले बिना बिटकॉइन नहीं मिलेगा? नहीं, आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास 500 रुपए भी हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको एप्पल या टेस्ला के शेयर्स भी खरीदने हैं तो आप एक पर्टिकुलर शेयर का फ्रैक्शन खरीद सकते हैं। तो अगर आपके पास 1,000 रुपए है तो आप उस शेयर का फ्रैक्शन खरीद सकते हैं 1,000 रुपए से। कौन सी एप्लीकेशन से ये इन्वेस्ट करें, जैसे कि इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, और वो डीमैट अकाउंट आप खोलते हो ज़ेरोधा के थ्रू, अपस्टॉक्स के थ्रू, या एंजल वन के थ्रू, या कई सारी सिक्योरिटी कंपनीज के थ्रू, जैसे ICICI डायरेक्ट, HDFC बैंक, समथिंग लाइक दैट, राइट। ऐसे ही दोस्तों अगर विदेशी कंपनियों के शेयर्स आपको खरीदने तो एक बहुत ही प्यारी एप्लीकेशन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, एंड दैट इज कॉल्ड IND मनी। ये एप्लीकेशन डाउनलोड का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, सो आप में से हर एक आदमी इसे डाउनलोड कर ले, इसे डाउनलोड कर ले और इसे एक्सप्लोर करें। आप एप्पल, टेस्ला सभी कंपनीज के शेयर खरीद पाएंगे। एक बेस्ट ऑफर, चूंकि आप ये वीडियो मेरे चैनल पे देख रहे हैं और मेरे चैनल पे इस वीडियो को देखने वाले लोगों के लिए एक सुपर स्पेशल ऑफर है। आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें और इसे फंड करें, राइट। जिस भी अमाउंट से आप फंड करना चाहें उस अमाउंट से आप इसे फंड करें, और मैं IND मनी के साथ मिलके आपको दे रहा हूं 750 रुपए के शेयर्स टेस्ला कंपनी के। हुर्रे, इजंट इट अमेजिंग, 750 रुपए के टेस्ला कंपनी के शेयर्स आपको मिल रहे हैं मेरे और IND मनी के इस पार्टनरशिप के कारण। दोस्तों इसीलिए इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड करें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक देखें, डाउनलोड करें और अपनी एप्लीकेशन को फंड करें एंड पाएं 750 रुपए के टेस्ला कंपनी के शेयर्स। और उसके बाद आपकी मर्जी, आप कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। दोस्तों इट्स एन ओशन, शेयर मार्केट में एक एक आदमी कई बार एक एक दिन में लाखों रुपया कमा लेता है, और आप में से भी हर एक आदमी कमा सकता है। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट IND मनी दोस्तों, आप में से हर एक व्यक्ति को ये डर लगा रहता है यार ये डॉलर में इन्वेस्ट हो रहा है, कितना ब्रोकरेज लगेगा, क्या बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा। तो इन्वेस्टमेंट पे नो ब्रोकरेज नो कमीशन, सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट करना है। एक बात और दोस्तों, आप तो इंडियन रुपी में पैसा दे रहे हो और शेयर खरीदे जा रहे हैं डॉलर में, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सचेंज रेट इस पे एप्लीकेबल हो रही है। तो IND मनी आपको देता है बेस्ट एक्सचेंज रेट्स, सो इसीलिए ये एप्लीकेशन पूरी तरह से सेफ है। अभी इंडिया में 40 लाख से ज्यादा लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, यानी 4 मिलियन से ज्यादा लोग इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज एब्सोल्युटली सेफ। मैंने भी इसे यूज करके देखा है एंड विद कॉन्फिडेंस आई एम टेलिंग यू, आप में से हर एक व्यक्ति इस एप्लीकेशन को आज ही डाउनलोड करें एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके ये शेयर्स खरीदें। दोस्तों जब आप अमेरिकन कंपनी या फॉरेन की बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, आपकी ग्रोथ के चांस आपको पता है कितने गुना बढ़ जाते हैं, कम से कम 1,000 गुना। जी हाँ, अगर आपने 1,000 रुपए या 1,00,000 रुपए इंडियन कंपनी में लगाए और 10 साल वेट किए, पॉसिबिलिटी है कि वो 1,00,000 रुपए आपके 1 करोड़ बन जाए 15 साल या 20 साल के बाद। लेकिन जब आप फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वही 1,00,000 आपके 10 करोड़ बनने की पॉसिबिलिटी है। इतना गुना डिफरेंस है दोस्तों, इतना गुना डिफरेंस है। तो ट्राई करके देखें, आप में से हर एक आदमी जरूरी ये करें, 750 रुपए के टेस्ला कंपनी के फ्री शेयर्स का फायदा भी जरूर लें और
फिर स्काई इज द लिमिट दोस्तों। सो दोस्तों आपने आईएनडी मनी को डाउनलोड कर लिया होगा, अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके और एट द सेम टाइम 750 रुपए के टेस्ला के शेयर्स भी क्लेम कर लिए होंगे। नहीं किए हों तो ये वीडियो रुकने के बाद आप कर लीजिएगा। बट यहाँ पे मैं 3-4 चीजें आपको बताऊंगा। देखिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए दोस्तों। ये कहा जाता है कि अगर आपने बहुत छोटे से अमाउंट से भी स्टार्ट किया तो वो वेल्थ क्रिएट हो सकती है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक बहुत बड़ा मैजिक है, वो कहलाता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। राइट, ये कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर है। ये एट्थ वंडर इसलिए है क्योंकि देखिए, वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र से पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया और वो पहली बार बिलियनेयर बने जब वो 63 या 64 ईयर्स के आसपास थे। इतने साल लगे $1 बिलियन बनाने में, लेकिन आपको पता है इस 64 से 73 के बीच में उनके पास $83 बिलियन हो गए। एंड दिस वॉज अमेजिंग, दिस वॉज माइंड ब्लोइंग। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये ही होता है, पहला 1 मिलियन या 1 बिलियन बनने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके बाद ये बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ग्रोथ पे ग्रोथ, ग्रोथ पे ग्रोथ, ग्रोथ पे ग्रोथ, डिविडेंड्स, बोनस शेयर्स एंड एट द सेम टाइम मेनी थिंग्स। दोस्तों आई नो आप ऐसे कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक ट्रेडिंग किया ही नहीं होगा। आप एक्सप्लोर कीजिए, स्टार्ट विद आईएनडी मनी। दोस्तों मैं जानता हूं कि आप में से कई लोगों ने अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया होगा और आपको ये दुनिया एक इमेजिनरी दुनिया लग रही होगी। कई लोगों की दुख दुखी हो रही होगी, टेंशन हो रही होगी, बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज सेफ। हजारों लाखों लोग आज भी ट्रेड कर रहे हैं एंड ये बहुत ही पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स डू इट, स्टार्ट विद आईएनडी मनी। डिस्क्रिप्शन से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, अकाउंट को फंड करें, 750 रुपीज के टेस्ला के शेयर्स फ्री में पाएं एंड उसके बाद ट्रेडिंग स्टार्ट करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए क्योंकि ये $1 मिलियन इन्फॉर्मेशन है। 90% लोगों को पता नहीं है कैसे इंटरनेशनल कंपनीज के शेयर्स खरीदे जाते हैं। सो मेक श्योर दैट यू डू इट, आप में से हर एक आदमी इसे फैला दे। वीडियो को क्लोज करने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि इसी चैनल पर 1 जून से मैं ला रहा हूँ एक बहुत ही खतरनाक वेल्थ मास्टरी सीरीज। इसके कुछ वीडियोस हमने पहले ही शूट कर दिए हैं लेकिन इसको रीजुविनेट हम कर रहे हैं। 90 डेज आपको नॉन स्टॉप फाइनेंशियल वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, स्टॉक मार्केट वर्ल्ड की, फाइनेंशियल वर्ल्ड की, क्रिप्टो वर्ल्ड की। सो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड इसे देखते रहें। हैव अ ग्रेट टाइम, विश ऑल द बेस्ट।